महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। लंबी कवायद के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के तहत शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए पद मिलेगा। कांग्रेस और एनसीपी के खाते में एक एक उप मुख्यमंत्री का पद रहेगा। सरकार बनाने को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। तीनों दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत शिवसेना को पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद मिलेगा, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 14 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद मिलेंगे। खुद शिवसेना के खाते में भी 14 पद ही रहेंगे। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इस हफ्ते कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी नेता शरद पवार के बीच मुलाकात हो सकती है। हालांकि तीनों दलों के बीच समझौते में हिंदुत्व के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं किसानों और युवाओं से जुड़े मामलों पर फोकस करने के लिए सहमति बनी है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन पर आपसी रजामंदी नहीं बन पाई है। समझौते में शिवसेना के विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की गई है। तो वहीं कांग्रेस एनसीपी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की मांग कर रही है। माना जा रहा है इन दोनों मुद्दों पर विवाद बन सकता है। जय श्री राम, हो गया काम। महाराष्ट्र में भले ही इस समय राष्ट्रपति शासन लगा हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश अभी भी जारी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक के इधर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी नेता आशीष जब बाहर आए तो उन्होंने कहा, जय श्री राम, हो गया काम। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, पंकज मुंडे, गिरीश महाजन और आशीष समेत कई पार्टी के नेता शामिल रहे। अधिकतर नेता बैठक खत्म होने के बाद खुश नजर आए, लेकिन आशीष के इस बयान ने कई सुर्खियां बटोर ली। अब ऐसे में आशीष शोलार के इस बयान से कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या भाजपा को जिस जादुई नंबर की जरूरत थी वह मिल गया है? क्या भाजपा सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है? तो ऐसे में कहा जा सकता है, जय श्री राम, हो गया काम। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब किसकी सरकार होने वाली है। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए।